नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन सूप। वो भी देसी अंदाज में बनाएंगे, ऐसा सूप जो आपको ठंडी में पसीने छुड़ा देगा। हर जगह से पसीने निकलेंगे, नहीं, एक ही जगह से निकलेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो 150 ग्राम मैंने चिकन लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। इसे अच्छे से आपको मिला लेना है। ये देखिए मैंने मिला लिया है। अब कढ़ाई में मैं लूँगा 2 चम्मच ऑयल। हाई फ्लेम पे कढ़ाई गर्म करनी है, चिकन इसमें डाल देना है। 2 मिनट तक आपको इसे पकाना है। ऐसे आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए लगाया कि मेरे अंदर अन्नू मलिक की आत्मा आ गई है। आग लगा दूँगा। ठीक है, 2 मिनट के बाद 2 चम्मच चॉप अदरक, 2 चम्मच चॉप लहसुन डालेंगे। 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। फिर पूरा 1 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर 3 चम्मच चॉप बीन्स डालेंगे, 3 चम्मच चॉप गाजर, 3 चम्मच चॉप शिमला मिर्च, चॉप कैबेज डालेंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन के ऑनियन डाल देंगे इसमें, थोड़े से चॉप ग्रीन चिली डालेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा मिला लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसमें, 1 चम्मच विनीगर डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि सॉस वगैरह में भर के पहले से ही नमक डाला रहता है। तो जब इसमें 1 उबाल आ जाए तब हम इसे गाढ़ा करने के लिए 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा कर लीजिए बस, ऐसे पानी ऐसा हो जाना चाहिए अपने अंदाज से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जब ये गाढ़ी हो जाए तब बंद कर देना है। कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बनाया था वो डालना, और 5 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन के पत्ते, इसमें 4 चांद लगाने के लिए। अब ये एकदम पीने के लिए, फाड़ने के लिए, खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये कौन सा सूप बनाया मैंने, देसी चिकन सूप है ना दोस्तों। आप लोगों ने बोला था कि अपने बेटे से मिलाओ, तो ये मेरा बेटा है रिशु। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के बाय बाय। एक्चुअली मैंने इसे सिखाया नहीं, अपने से बोलता है। तो मेरे पास कोई खास सेटअप तो नहीं है, बस जो है इसी में आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरी वीडियोस देखने, अगर आपको कुछ पता ना होगा तो आपके पास कुछ खास सेटअप आ जाएगा। हाँ सेटअप, अब ये बोल रहा है कि जब आपको कुछ बताना होगा तो फिर से कुछ खास सेटअप आ जाएगा। तो फिलहाल आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और आप लोग मेरी रेसिपीज देखते हैं, गाजर के साथ आलू, इसकी बकबक बंद नहीं होगी। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। बाय बाय।